Finally, you can see behind my back the greatest waterfall ever I have observed in my life. Oh, mashallah, mashallah. Down. ये देखे जमीर भाई, जायद भाई, सो The next morning. Assalamu alaikum. Hello and welcome to all the viewers. This second part में आपका स्वागत करते हैं. मैं आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ. हम हरमुख के जो नुनकुन लेक है उसके ठीक किनारे पर. ओए होए होए माशाल्लाह, ये देखिए हरमुख माउंट और ये देखिए हमारी नुनकुन नदी. जायद भाई रेडी होने जा रहे हैं, फ्रेश होने जा रहे हैं. साहिल भाई भी उठ चुके हैं. यहाँ पे आप देखिए क्या कैंपिंग हो रही है लोगों की, माशाल्लाह. वो देखिए जमीर भाई कैसे फ्रेश हो रहे हैं. अभी बज चुके हैं सुबह के 6 और कहते हैं कि सुबह के टाइम में फ़िशिंग करना बहुत ही एक कलाकारी होते हैं, क्योंकि सुबह के टाइम ये जो मछलियाँ होती हैं ये भूखी होती हैं. लेकिन आपका भाई अभी फ़्रेश नहीं हुआ है. मैं फ़्रेश होके आता हूँ. तो ज़मीर भाई ऑलरेडी फ़्रेश हो चुके हैं. इनको मैं कांटा देता हूँ जो ये रहा, तो ये अपना किस्मत आजमाएंगे. ये जो नुनकुन लेक है इसमें ब्राउन ट्राउट की फ़िशिंग होती है. सुनने में आया है कि इट इज़ रिच इन द ब्राउन ट्राउट्स. सो हम जाते हैं फिशिंग करने और अपने आप को फ्रेश करने. चलो फिर दिखाते हैं आपको ग्लिम्पसेस. ये देखिए साहिल भाई, जमीर भाई और जाहिद भाई जो कि ऑलरेडी फ्रेश हो चुके हैं. और ये देखिए कुछ हरमुख के नुनकुन के नज़ारे. ओए माशाल्लाह माशाल्लाह. मैं फ्रेश होता हूँ और जमीर भाई को मैं कांटा देता हूं और ये फिशिंग करेंगे. अभी आपका भाई फ्रेश हो चुका है, लेकिन चाय का अहतमाम अभी नहीं किया मैंने. साहिल भाई बोले कि आप जाओ एंजॉय करो नेचर में, मैं चाय खुद बनाऊंगा. तो बात यह है कि जमीर भाई को जैसे मैंने कांटा दिया था, मैंने उसे बोला था कि पकड़िए आप फिशिंग करिए. जमीर भाई बोले कि ये हमारी बस की बात नहीं है. तो बात यह है कि ही टोल्ड मी कि मैं आपको हर एक फिश के 100 रुपीज़ दूंगा जो भी आप पकड़ोगे. तो अभी हम उसके लिए जा रहे हैं. तो अभी हम अकेले फिशिंग करेंगे. फ्रेश हो चुका हूँ मैं, तो मैं उस साइड जाऊँगा और दिखाऊँगा आपको अगर हमने कोई भी फिश पकड़ी. चलो फिर चलते हैं. ब्राउन ट्राउट लेने के लिए, 6 ब्राउन ट्राउट पकड़ने के लिए आपको 100 रुपीज़ का एक लाइसेंस काटना पड़ेगा. यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बंदा आया, उसने बोला कि यहाँ पे अलाउड नहीं है फिशिंग करना. अगर आपके पास परमिट है तो दिखाओ. हमारे पास परमिट था नहीं, तो हम सीधे मुड़ गए अपनी टेंट की ओर. यहाँ पे हमने देखा साहिल भाई, यहाँ से चाय बना रहे थे और जमीर भाई यहाँ से चाय बना रहे थे. चलो फिर चाय पीते हैं, फिर जाते हैं हम गंगवल. ये देखिए चाय क्या बॉइल हो रही है. कटारा बंद हुआ मैं बस. ये रही हमारी चाय. साहिल भाई, इनायत भाई, सरजन भाई चाय पी रहे हैं और ये यहाँ पे जमीर भाई, जाहिद भाई, सोहन. शुक्रिया शुक्रिया सर. और ये रहे आदिल भाई और उमर भाई यहाँ पे चाय पी रहे हैं. अभी बज चुके हैं 9:30 और हम बढ़ रहे हैं अभी गंगबल की ओर. हमारा सारा टीम रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह. तो हम जाएंगे गंगबल और आपको गंगबल के नज़ारे दिखाएंगे. चलो फिर रास्ते में मिलते हैं. ये जो नदी यहाँ से बह रही है, ये नुनकुल से निकल रही है और दरियावी सिंध का ऑरिजिन बना रही है. हम निकले गंगबल की ओर. जमीर भाई लीड कर रहे हैं ट्रैक का, जाहिद भाई उसके बाद, साहिल भाई उसके बाद, उमर भाई उसके बाद.
ये देखिए कितने ट्रकर यहाँ पे मौजूद हैं, और वो आपको बोर्ड दिख ही रहा होगा, वो गंगबल का बोर्ड है। जस्ट नेक्स्ट ग्लिम्प्स में मैं आपको गंगबल लेक का पूरा व्यू दिखाऊंगा। वी आर जस्ट फ्यू मीटर्स अवे फ्रॉम द गंगबल लेक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये जो आप नदी देख रहे हैं, ये गंगबल से निकल कर सीधे नुनकुन में जाती हैं, और फिर नुनकुन आगे सिंध रिवर का एक ट्रिब्यूटरी बनाता है। ये रहे हमारे ट्रैकर्स जिस नदी को पार कर रहे हैं, और कुछ इंटरनेशनल टूरिस्ट्स भी हैं जो कि तुर्की से बिलोंग कर रहे हैं। ओए होए होए माशाल्लाह, दिस इज अ ग्रेट गंगबल लेक, जो कि अल्पाइन लेक ऑफ कश्मीर में सबसे ज्यादा फेमस माना जाता है। एस के भाई लेक की ओर बढ़ रहे हैं। एस के भाई, हाउ इज द व्यू मैन? ऑसम। ओके सर, ओके सर। दीज आर द इंटरनेशनल टूरिस्ट, सम आर फ्रॉम तुर्की एंड सम आर फ्रॉम तीवान। मैम, वेयर फ्रॉम यू? वेयर फ्रॉम यू मैम? तीवान। और दिस मैम इज फ्रॉम तीवान। आई विल शो यू द बोर्ड ऑफ गंगबल लेक, दिस इज द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। Our trekkers are going deep into the Gangbal. They are saying that they will bath in the this great lake. I am going to tell you that here are the most number of international tourists visiting, national tourists, international tourists from Bangladesh, Taiwan, Italy, Turkey, and some national tourists from the states of India. This is a great Gangbal lake. You can see, mashallah. ये देखे जमीर भाई उतरे नहाने, हम भी अभी उतरेंगे। जमीर भाई ज्यादा आगे मत जाना, जमीर भाई ज्यादा आगे मत जाना। जायद भाई भी उतर रहे हैं, और साहिल भाई का पता नहीं, साहिल भाई तेरा क्या प्लान है? चलो फिर उतरो, फिर उतरो। जमीर भाई नहा रहे हैं माशाल्लाह। जमीर भाई, जमीर भाई कैसा मजा है? जमीर भाई लेक से हम निकल रहे हैं, यहाँ पे हमने नहाया, काफी ज्यादा मजा आया और बहुत सारी रील्स भी बनाई। तो अब हम अपनी कैंपिंग साइट जो कि नुनकुन लेक थी वहां की ओर वापस बढ़ रहे हैं। वहां पे हम खाने का इंतजाम करेंगे और वहीं पे लंच होगा हमारा। चलो फिर चलते हैं। अभी हम वापस कैंपिंग साइट पे पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले हम बनाएंगे अपने लिए लंच। तो ये देखिए आप ग्लिम्पसेस, मीर जमीर भाई लंच बना रहे हैं, और वहां से सायलदार भाई भी लंच बना रहे हैं। तो ये बाकी काम कर रहे हैं अंदर, आप देखिए अबरार भाई सैलेड का अहतमाम करते हुए। चलो फिर
ये देखे एसके भाई क्या कर रहे हैं अभी। एसके भाई क्या कर रहे हो? ओ ठीक ठीक, इसे सॉफ्ट होगा। ओके सर, ओके सर, आपने स्किल्स कहाँ से सीखे? ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। हाँ सोहेब भाई, क्या कर रहे हो आप? साहिल भाई खाना परोस रहे हैं। हाँ जी, और हम खाएंगे खाना। अच्छा, लंच करेंगे हम अभी। क्या पकाया आपने? चिकन पकाया है अभी। चिकन? यस सर। दर्शकों को चिकन, मतलब चिकन पीस। और क्या बताना चाह रहे हो आप? मैं ये बताना चाहता हूँ कि साहिल भाई जो यहाँ पर सबसे ज्यादा माने जाने वाले कुक है, आई विल रेट हिम 10 points out of 10। अच्छा, यस सर। चलो अच्छी बात है, चलो खाओ आप खाना। हाँ, मैंने बोला चलो खाओ आप खाना, अच्छे से खाना। ओके सर, जरूरत मत है कोई। नो सर, नो सर, थैंक यू सर, आ जाओ आप टेस्ट करो। बस शुक्रिया, शुक्रिया। अभी हम हमारे बेस कैंप पे ही रुके थे, तो आपको मैं एक यूनिक चीज दिखाऊंगा, शायद ही आज तक किसी ब्लॉगर ने दिखाया होगा, वो मैं आपको वहां पहुंच के दिखाऊंगा। चलो फिर चलते हैं। यू पीपल माइट बी वॉचिंग दिस वाटरफॉल दैट वाइट वाइट कमिंग डाउन फ्रॉम दिस हारमुख माउंट। मैं इसी की बात कर रहा था, ये शायद ही किसी व्लॉगर ने अभी तक कवर किया है, तो आज मैं कोशिश करूंगा कि हर मुख के इस पीक तक जा पाऊं और आपको ये वाटरफॉल दिखाऊं। चलो फिर चलते हैं। ये जो आप मेरे पीछे पानी देख रहे हैं, ये ऊपर हर मुख माउंट से आके सीधे जाता है नूनकुल लेक में, और इसका एक ब्यूटीफुल वाटरफॉल है जो मैं आज कवर करने जा रहा हूँ। आपको मैंने दूर से दिखाया था, अभी मैं कैमरा स्विच करने की कोशिश करूँगा और देख दिखाऊंगा आपको। आई डोंट नो दिखेगा कि नहीं, बट आई विल ट्राई कि आपको दिख जाए, क्योंकि अभी मैं इसके बहुत क्लोज हूँ, पूरा तो नहीं लेकिन बहुत हद तक मैं क्लोज आ चुका हूँ इसके। चलो फिर देखिए आप, ये वाटरफॉल अगर आप देख पा रहे होंगे तो यही है जो हरमुख माउंट से आके सीधे जाता है यहाँ से बह के नूनकुन लेक में। चलो फिर चलते हैं। अगर हम देखेंगे तो इस रीजन में छोटे छोटे से बड़े 8 से 9 वाटरफॉल हैं, लेकिन दिस वन इज़ मेजर, और यहाँ जाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। अभी हम पूरा नहीं पहुँच पाए उसके पास, लेकिन वी आर नियर टू इट। आप देखिए यहाँ से नूनकुल लेक भी सारी दिखती है। ओ माशाल्लाह, दिस इज़ आर माई मेट्स। इधर आए जाहिद भाई, उसके बाद हनीफ भाई, उसके बाद साहिल भाई, आदिल भाई, उमर भाई एंड सो ऑन। ये देखिए आप व्यू, माशाल्लाह। फाइनली यू कैन सी बिहाइंड माय बैक द ग्रेटेस्ट वाटरफॉल एवर आई हैव ऑब्जर्वड इन माय लाइफ। ओ माशाल्लाह, माशाल्लाह, यू कैन सी, ओ माशाल्लाह, दैट द ब्रांड आई हैव सीन इन माय लाइफ फर्स्ट टाइम। ओ माशाल्लाह, आई विल स्विच टू द बैक कैमरा एंड आई विल मेक यू टू व्यू दिस beautiful gem of God fully. के बाद हम यहाँ से निकल रहे हैं, काफ़ी सारी रील्स भी बनाई हमने, वो आपको शॉर्ट्स में मिलेगी। अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और अपने बेस कैंप पे जाएंगे, वहाँ पे जमीर भाई और इनायत भाई ही थे, उन्होंने हमारे लिए चाय का एहतमाम किया होगा, तो वहाँ पे हम चाय पियेंगे। चलो फिर चलते हैं। अभी मैं बीच रास्ते के हूँ अपने कैंपिंग साइट के,
लेकिन भूख ने बुरा हाल कर दिया। आई एक्सपेक्ट कि इनायत भाई और ज़मीर भाई जो कि ट्रैकिंग पर नहीं आए थे ये वाटरफॉल देखने, उन्होंने बोला हम एग्जॉस्ट हुए तो वो बेस कैंप पे ही रहे थे। आई एक्सपेक्ट कि उन्होंने चाय बनाई होगी, लेकिन इतना आई कैन से इनायत भाई तो नहीं बनाएंगे, लेकिन ज़मीर भाई फॉर श्योर ज़मीर भाई ने चाय बनाई होगी। चलो फिर मिलते हैं बेस कैंप पे। फाइनली मैं अपने बेस कैंप पे पहुंच चुका हूं। अब मैं देखूंगा क्या होगा। इनायता चाय दाम में बनो, इनायता इनायता चाय दाम में बनो, चाय दाम एज एक्सपेक्टेड ते पटस ना उम्मीद थी कहीं न। ज़मीर भाई चाय दामा बनो। ज़मीर भाई ने भी चाय नहीं बनाई है। आई एम टोटल लॉस, थक गया था मैं बहुत ज़्यादा। चाय ना ज़मीर भाई ने बनाई थी ना इनायत भाई ने बनाई थी। यहाँ पे हमारे हमसाया थे, ये हमारे हमसाया डिस्ट्रिक्ट के भी हैं, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के ये भाई, और इनके साथ ये जो हैं जो कि कुक भाई संभाल रहे हैं सारा कुछ, ये हमारे ही डिस्ट्रिक्ट के हैं। इन्होंने इनको बोला कि पहले हम अपने डिस्ट्रिक्ट को चाय देंगे, बाद में बात करेंगे। जायद भाई और मैंने आज शाम की चाय इन्हीं के पास पी। दे मेड इट मुझे आई कैन से कि बेस्टेस्ट चाय जो कि यहाँ पे मैंने पिछले 3 दिन से पी। आई कैन रेट दिस द बेस्टेस्ट क्योंकि इसका शुगर लेवल मेरी शुगर लेवल से मैच होता है बराबर। चलो फिर पीते हैं। ये देखिए बारबेक्यू पार्टी हो रही है यहाँ पे। ये देखिए कैसे वेट कर रहे हैं ये सब बारबेक्यू खाने के लिए। ओए माशाल्लाह हबीबी भी उमर भाई भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। सुबह से इसने बोला कि मैं बीमार हूँ, लेकिन जब बार बिको खाने का टाइम आया तो उस टाइम में बीमार नहीं। उमर भाई क्या कहते हैं? अभी हमने बारबेक्यूज खाई है ठीक ठाक अंदाज से, खाना हमने नहीं खाया क्योंकि बारबेक्यू हमने ठीक ठाक अंदाज में खाई। तो अभी हम सोने जा रहे हैं। आज के इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको भी व्लॉग किसी भी रीज़न से भी पसंद आया होगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।